हाय, मैं हूँ सीए गौरव सर, ए टीम कॉमर्स एकेडमी से। इस एग्जाम स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो 3 घंटे आपको मिल रहे हैं अकाउंटेंसी के पेपर को सॉल्व करने के लिए, इसे आप बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो मुझे सुनने को मिलती है वो ये कि सर, समय से हमारा पेपर कम्प्लीट नहीं होता है। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आइए शुरू करें। अब जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, आपको उसे एज इट इज फॉलो करना है तो ही आपका पेपर समय से कंप्लीट होगा। ऐसा मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक है। देखिए, यही हो रहा है, कई सारे लोग हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं आप तो पहले पार्ट बी करो, कई सारे लोग हैं वो बोलते हैं नहीं आप पहले पार्ट बी करो, कई सारे लोग हैं वो बोलते हैं नहीं 1 मार्क के क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करने चाहिए, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम तो उल्टे दिमाग के हैं 8 मार्क का क्वेश्चन पहले करो फिर 6 का बाद में, एंड सो ऑन। देखिए, मैं किसी स्ट्रैटेजी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा कोई तरीका नहीं बता रहा जो आपको फॉलो करना ही करना है और उसके अलावा कोई तरीका आप फॉलो नहीं कर सकते। ये वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ कि आप वो स्ट्रैटेजी जो आपके लिए सही है वो आप कैसे चूज करें। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है, सर पेपर सामने आ गया, आप पार्ट ए से शुरू करें कि पार्ट बी से शुरू करें? इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि दोनों पार्ट को आपको रीडिंग टाइम मिलता है, इसके अंदर आपको ये देखना है कि कौन से पार्ट को लेकर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। पार्ट बी में आपको लगता है कि आप 20 out of 20 ला सकते हैं तो आपको पार्ट बी पहले शुरू करना चाहिए, और पार्ट ए के अंदर अगर आपको लगता है कि नहीं आप 60 out of 60 ला सकते हैं तो आपको पार्ट ए पहले शुरू करना चाहिए। यानी कि ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। आपको कोई अगर बोलता है नहीं आप तो पार्ट ए से ही शुरू करो, आई वुड से कि आप उनकी बात ना सुन के आप अपनी बात सुनो, वो पार्ट से आपको शुरू करना चाहिए जिसके लिए आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। चलिए अगली बात कि सर कौन से सवाल को हमें कितना समय देना चाहिए, ये हम कैसे डिटरमाइन करें? इसका बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर समय बहुत कम है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको उन क्वेश्चंस के पीछे भागना चाहिए जो एग्जाम में आ चुके हैं। ये वीडियो अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो ये आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में अभी समय है, स्कैनर के क्वेश्चंस प्लीज करें, वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, उससे आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा। इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई 1 मार्क्स को आप क्वेश्चन है तो उसका into 2 कर लो तो आपको 2 मिनट लगने चाहिए, 8 मार्क का सवाल into 2 कर लो तो 16 मिनट लगने चाहिए, बट प्रैक्टिकली हमेशा ऐसा होता नहीं है। हाँ, इसको एज अ स्टैंडर्ड आप सेट कर सकते हो कि 8 मार्क का है तो 16 मिनट में हो जाना चाहिए, बट अगर हम एक्चुअल सिचुएशन में देखें तो कभी हमको 18 मिनट भी लगते हैं और कई बार ये क्वेश्चन हमारे 12 या 14 मिनट में हो जाते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा खुद घर पर प्रैक्टिस करने से, इसके लिए आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं। चलिए अगली बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, जो मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूं कि सेंस ऑफ अर्जेंसी और पैनिक, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। जब मैं आपको बोलता हूं कि पेपर को आपको जल्दी सॉल्व करना चाहिए तो मैं ये नहीं बोलता कि पेपर को पढ़ना भी जल्दी चाहिए, पढ़ें आराम से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि अरे सर हम तो ये लाइन पढ़ना ही भूल गए और ये लाइन नहीं पढ़ी इसलिए इसका एडजस्टमेंट नहीं दिया इसलिए आंसर गलत हो गया। अगली बहुत ही ज़रूरी बात है, ये सवाल मुझे स्टूडेंट्स ने बहुत पूछा है, सर एग्जाम में अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो क्या करें? इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही तो छोड़ के आगे बढ़ जाए। ठीक है, अजीब लग रहा होगा, सर ये आप क्या बात कर रहे हो, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। देखिए, 8 मार्क के सवाल के अंदर बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आता है, 8 मार्क के सवाल के अंदर अगर आपने रिवैल्यूएशन ठीक कर दिया, अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक कर दिया, मैक्स टू मैक्स 2.5 से 3 मार्क बैलेंस शीट को मिलते हैं। उसके अंदर भी अगर कोई एक एडजस्टमेंट की वजह से आपका बैलेंस शीट मैच नहीं होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 मार्क डिडक्ट कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, लॉजिकल है क्या? 1 मार्क के लिए आप 15 मिनट तक लगे हुए देखने के लिए कि भाई कहाँ हमने मिस कर दिया। इसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा, ओके नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ जाए, पूरा पेपर कंप्लीट करें, उसके बाद आपके पास समय बचेगा, उस बचे हुए समय के अंदर आप आके दोबारा उस बैलेंस शीट को देखें मैच। आई प्रे टू गॉड कि आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अगर ऑलरेडी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी वीडियो शेयर करें।
हो सकता है वो भी ऐसी किसी तकलीफ में। ठीक है, अभी के लिए आपके सीए गौरव सर आपको नेक्स्ट वीडियो